अच्छा अरे इसको देख, इसको देख। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसको प्याज काटने का तरीका नहीं पता, और कहता है ऊपर वाली खल उतारते हैं, वो कितना क्या खल उतारते हैं भाई। ये दो तीन ऑडियंस है ना, वो तो बता देते हैं क्या ये चेक कर रहे हैं। ये गोश्त इतना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि से है। आज थोड़ा फील करते हैं कुछ इस तरह से। 4:35 मिनट का अपनी आपसे बोला टाइम है, और मुझे बिल्कुल कल अटेंडाइव टेस्ट का पेपर करने के लिए तो सिंध, और मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन में आईफोन से शूट कर रहा हूँ, इस मोबाइल से शूट करता हूँ। बाकी मैं इससे शूट करूँगा एक कुछ वीडियो जो आएंगी कुछ वीडियोज में, और आज का वो कल ही आएगा। और कुछ ऐसा होगा कि ब्लॉग में ऐसा है कि मैंने आपको नहीं कर सका, उसके साथ में इसको मैचिंग कर करके उसको इंशाल्लाह कल जब ब्लॉग आएगा। आज बिल्कुल नहीं आया मेरे ब्लॉग का, तो इंशाल्लाह कल कराते हैं। अभी मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ खाने के लिए। 5 बजे मैंने कंप्लीट निकलना है, तैयार हुआ हूँ कपड़े पहने, क्योंकि ये ड्रेसिंग सिंध ही नहीं चलती है, पैंट शर्ट नहीं चलती है। अगर सिंध में कहीं भी इलाके में चला जाए, वो आपको कोई भी ऐसा बंदा पैंट शर्ट पहना हुआ निकल नहीं आएगा। ठीक है, ये चलती ही ड्रेसिंग यही है, क्योंकि वहाँ के कैसे हैं, वहाँ के सरदार लोग हैं, वो देखे हुए हैं उसी तरह। तो मेरा जो थोड़ा सा लॉन्ग शूट होगा वो होगा एंड्रॉइड मोबाइल से। बाकी देखते हैं आपको। क्या कह रहा था मुझे बता, कुछ नहीं कह रहा था, कल धोती पहन के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा सुन रहे हो, बेकार लोगों की बातें ये वो बेकार लोग हैं जो बेकार ही हैं, गरीब हैं, बेकार लोग हैं जो इसके व्लॉग देखते हैं। हम दो नहीं देखते, दो ही गजब बेइज्जती है। क्यों सर ये बात, ये झूठ बोल रहे हैं सर, आम झूठ। और व्यूज कितने आते हैं तेरे पास? दो ही व्यूज आते हैं बस, कोई मसला नहीं, व्यूज दो आए तीन आए बस, कॉन्टेक्ट तो अपना है ना। हाँ भाई कैसी लगी YouTube पे? सही बात, सही कह रहे, सही कह रहे, फिर सही कह रहे। ये दो बेकारी हैं, बुरा लगा। ठीक है, हमारा ऐड ये है प्रोफेशनल बंदा, हमारा ऐड ये बैठा हुआ है तुम्हें काम पे लगाने वाला, हमें काम सिखाने वाला यही है, जलवा है हमारा। ये दरमियान वाला चिट्टे कपड़े वाला बंदा देख रहे हो, कुछ तरीका है भीख मांगने का? ये देखो गालियां दे रहा है इसका चैनल बैन होगा, मैं गालियां दूंगा तेरे चैनल बैन करूंगा। गाइस मेरा जो सुबह का व्लॉग था जो सिंध जाने का, वो व्लॉग नहीं आ सका, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके थोड़े थोड़े ना पार्ट, मैं कोशिश करूंगा थोड़े थोड़े पार्ट डाल दूंगा वो, पर आज की जो मेरी वीडियो थी वो नहीं आ सकी। इंशाल्लाह मेरी जो वीडियो है वो कल इंशाल्लाह लाजमी आएगी व्लॉग की। तो सफर जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग प्यारी है तेरी, जाने के लिए तैयार हो? हम तुम्हारे साथ हम दो हैं। ये सीखना बस कर दे, कख नहीं पता इनको कढ़ाई बनाने का, और कढ़ाई बनाने फिर रहे हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से, और सारा चेफ इनके सामने खड़ा हुआ है। वाओ वेरी डेंजरस। ठीक है सारा तो आपको बताया, ये कढ़ाई बनाने वाले वो लगते हैं आपको शक्ल में इसके ऊपर डेंजर, और कहते हो बस प्याज को धोया नहीं जाता यार किस किताब में लिखा होगा प्याज को धोया नहीं जाता है। चलो चलो वो तो बता देंगे, प्याज जब कढ़ाई के लिए डाले जाते हैं उनको क्या पहले धोना पड़ता है?
जरूरी है जब कढ़ाई जो प्याज अगर आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या हांडी के लिए इस्तेमाल करते हैं प्याज होते नहीं हो क्या बताइए बताओ मुझे इसके अंदर होते हांडी के लिए नहीं कढ़ाई के बनाने के लिए बनाते हैं और गोश्त को इस तरह ये जिस तरह गोश्त को साफ कर रहे हैं ना ये इस तरह गोश्त साफ भी नहीं किया जाता और इनको ये भी नहीं पता कि गोश्त कैसे साफ किया जाता है अच्छा उसका भी होता है उसका तरीका अच्छा और इसको देख यही नहीं अभी और सुनिए इसको प्याज काटने का तरीका नहीं पता और कहता है ऊपर वाली खल उतारते हैं वो क्या खल उतारते हैं ये दो तीन ऑडियंस है ना वो तो ये चेक कर रहे हैं ये गोश्त इतना नहीं धोया जाता यार किसने कहा यार गोश्त इतना धोते हैं मैं धो रहा हूँ मुझे पता है मैं धोता हूँ आपको पता है कढ़ाई के लिए जो बोटी होती है ना जो शेफ साहब अपनी ये जो कढ़ाई के लिए बोटी होती है वो थोड़ी सी ना बड़ी होती है कख नहीं पता ये कढ़ाई धोई इन्होंने ये चेक करो इस तरह नहीं धोई जाती कढ़ाई फ्लैश चले ना चले रिजल्ट तो दे रहे ना ये तो है इनको ये भी नहीं पता कि कढ़ाई को इस तरह धोया जाता है अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या कहाँ यार कहाँ खाना पकाते रहे हो तुम लोग यार हम लोग घर में बनाते रहे ये कैसे कढ़ाई बना रहे हो यार कौन पहले प्याज डालता है बन जाएगी फिर देखना मैं कौन सा प्याज डालता है मुझे पहले ये बताओ पहले कौन कढ़ाई के लिए प्याज डालता है मैं डालता हूँ तुम तो बेवकूफ हो चलो जब बन जाएगी फिर देखना और पता है प्याज को ब्राउन करते हैं हाँ तो लोड़ा लगा के कर रहा हूँ ऐसे कौन सा वाइट पड़े रहेंगे देख रहे हैं ये देख रहे हैं प्याज को हमेशा ब्राउन किया जाता है वाइट प्याज नहीं होते ठीक है अच्छा चिकने बच्चे ने ना इसके अंदर गोल डाल दिया ठीक है ये चिकने ने थोड़ा सा इसके अंदर गोल डाल दिया इसको अच्छी तरह ब्राउन करेगा जब तक ये ब्राउन नहीं होता फिर बाकी सामान ही डलेगा इसके अंदर यही चीज है ठीक है पूरे 5 साल चेक रहा हूँ मैं अच्छा गाइस हमने घर में ना ये देखो एक कुकिंग वाला रखा हुआ है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी अपने घर में ना ये कुकिंग वाला रखा हुआ है ठीक है और ये हमने पोची वगैरह के लिए रखा मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हल्का हंस ठीक है ये पोची मार रहा है इसने पे सारा काम किया ठीक है पहले प्याज टमाटर काटता था ठीक है और वो फिर उसके बाद इतना बड़ा घर ले लिया ये घर लिया उसके बाद दोनों नौकरों को रख लिया ये मेरे दो नौकर हैं इसको मैं महीने की 15,000 रुपए चिकने को 20,000 देता हूँ अपने 25,000 दोगे तो ठीक वरना लाने क्यों क्या नीड है ज्यादा ना कर ठीक है ओके मेरे हाथों में चंगा नहीं लगता था कि अच्छा नहीं लगता क्या कैसी बातें करता है यार कैसी करते बातें ये ये मैंने 20,000 में चिकना बच्चा रखा हुआ था ठीक है और ये गाइस आपने इन दोनों का रेट लगवाना अभी मजा आएगा ना भिड़ो अगर आपको घर में कोई मुलाजम चाहिए हो या टिप चाहिए हो ये खाना बनाने के लिए ये बंदा है ठीक है रेडी है और आपको पोछे के लिए बेचारा ये हमारा एड यही है हमने सारे काम इसमें वॉशरूम के लिए भी बंदा चाहिए तो ये जो लोग बना रहे ये है ये इतना बड़का चेक कर रहे हो सारे घर के वॉशरूम यही साफ करते हो तुम ऐसे ना किया करो यार मेरे साथ क्यों करते हो किप साहब ये पहनने तैयार हो चुकी है रेडी है पक्की बात है ओके है तो क्लोज है सर छोड़ दो ना तुमने ये क्या हल्का भाई लगाया भाई लगा ये वो आ जाते ये बन चुकी है बन रेडी है आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है
ये 2 करोड़ का घर भेज रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो? ठीक है, ये पहले ही घर 2 करोड़ का होगा ये, ठीक है, ये एक ये रूम है, ठीक है, ला कर दे, ओके। अच्छा ये मशीन ही नहीं यूज करते हो? हमारी पता क्या है, ड्राइवर भी है ना साथ। हम पता क्या करते हैं, हमारी जो मशीन है वो ऑटो ऐसे है कि नंबर पे लगी होती है कि उसके अंदर आओ कुछ डालो, सब कुछ डालो, मुझे पता है डिजिटल। हम भी उस दिन बोले थे लेकिन खराब कर दिया, हमारी अभी तक खराब नहीं, हमारी उन्होंने बोला था हमने बदली इसलिए। अच्छा ये एक रूम है, ये माल रखा हुआ, ओके, ये रेंट पे मुझे शॉप पे लगे हुए हैं, वो रेंट लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ये बालकनी है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ये मेरे बुकर होना है, हाँ कभी होती है। अच्छा ये घर बेचना पड़े, आप कितने का बेच दोगे? मैं 2 करोड़ दूँ उसका, 2.5 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं, 2.5 करोड़ दे दूँगा, चलो 2.5 करोड़ की डील फाइनल है, ये मतलब एक मतलब यहाँ अगर कपड़े सुखाने के लिए या कुछ भी करने के लिए ये है, ठीक है, अभी ये वैसे हाथ है, ओके, कौन है बाकी, सही कह रहे हैं, मतलब 2.5 करोड़ में ये डील मेरे साथ फाइनल हो रही है, ठीक है गाइस, ये 2.5 करोड़ का मैं हकीकत ले रहा हूँ, ठीक है, फाइनल इनके साथ मेरी डील हो रही है। इतने आपको एक और चीज बताता हूँ, ये 16 प्लेट समेत होगी, ठीक है, और दो वहाँ पे वाक करती है, ओके, जिनके ऊपर है इसकी नजर है लेकिन वो इसको लाइन नहीं करती ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा शरीफ बंदा हूँ ऐसा, ठीक है, उसके बाद ये सब चवलियां मार रहा है, ये तो फारक बंदा है, आप लोगों को लगता है मैं चवलियां मार सकता हूँ? हाँ इसकी बातें बस सुनो, चिकन अच्छा ना हुआ ना, अगर ये चिकन अच्छा हुआ, ये कढ़ाई इसने बनाई है देखें, ठीक है, इस बंदे ने मेहनत करके बेचारे को पसीना चढ़ा हुआ है, ये चेक कर देते हैं, ठीक है, और ये पोछी मारता था ये क्या मैं इसके ऊपर निगरानी करता रहा हूँ तो अगर इसका ये चिकन अच्छा लगा इसके हाथ चूम लूंगा, चल झूठा, ठीक है, वैसे भी ये बहुत प्यारा है, ठीक है, अब इसका टेस्ट करते हैं कैसा लगता है मुझे, ये हमने एक इसका बाइट लिया, अल्लाह खैर करे, बाइट लेते हैं, मजा आया, हाथ की तरह गाइस, हाथ इधर पड़े हुए, मैंने कहा कि यहाँ पे लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा? अच्छा, ठीक लगा, ये बंदा देख रहे हो ये बहुत शरीफ बच्चा है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ब्लॉग का एंड यहीं करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान, ओके बाय।